भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत हो गई है। प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ करने के लिए सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे थे, जिन्होंने प्रशिक्षण वर्ग में भाग लिया और औपचारिक रूप से इस प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत कराई। प्रशिक्षण वर्ग में प्रतिभाग करने से पहले सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने प्रशिक्षण वर्ग पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आपको बता दें कि मीडिया से रूबरू होते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने देश और प्रदेश के नौजवानों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ भाजपा पार्टी के जुड़े लोगों से कहा कि देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाना है, जिसकी जिम्मेदारी ही युवाओं के कंधे पर है और ये सपना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही पूरा हो सकता है। प्रशिक्षण का कार्यक्रम अभी आपने देखा कि जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी मेन जो बॉडी है उसका प्रशिक्षण चित्रकूट में हुआ। इसी क्रम में पूरे प्रदेश में सभी मोर्चों का भी ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम हो रहा है। तो स्वाभाविक रूप से अपने पार्टी की रीति नीति सिद्धांत क्या हैं, विचारधारा क्या है, आज युवाओं को लेकर हमारे केंद्र की सरकार के द्वारा, प्रदेश की सरकार के द्वारा किए गए काम, इन सब चीज़ों पर हमारे जो वक्ता प्रदेश के नेतृत्व से, केंद्रीय नेतृत्व से जो आएंगे वो युवाओं को अपने मार्गदर्शन दें। 3 दिवसीय कार्यक्रम चलेगा जिसमें केंद्रीय मंत्री और जो है मुख्यमंत्री भी इसमें जी जी तो क्या लगता है कितना जोश नजर आएगा? अरे देखिए, युवाओं में तो हमेशा से जोश से भरा हुआ नौजवान रहता है और यही कारण है कि युवाओं के अपने नेतृत्व का जो होश और हमारे नौजवानों का जोश, इसके मिश्रण से ही भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीतते भी आ रही है। तो हमेशा युवा उत्साह में है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ लोग या विभिन्न विषयों पर चर्चा करके जब इस देश के को आगे ले जाने का संकल्प लेकर नौजवान आगे बढ़े हैं तो सभी लोग एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एक तरीके से शिक्षित और प्रशिक्षित होकर चलेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम लोग उस लक्ष्य को हासिल करेंगे जिस ऊंचाई पर अपने देश को हम देखना चाहते हैं। अब आज मुझे लगता है कि मैं इस विषय पर ही मैं बोलूं तो ये उचित होगा। बाकी लेकिन फिर भी जो आपने पूछा, तो कांग्रेस और अनेक विभिन्न दल अनेक अपनी बात करते हैं लेकिन कानून अपना काम करता है। हमारी पार्टी की तरफ से भी इस बात को बहुत स्पष्ट किया गया है, तो एजेंसीज और कानून अपना काम करता है, उसमें पार्टी का मुझे नहीं लगता कोई रोल होता है। जिस तरह से 14, 17 और 22 और अब इसको 24 पर नजर है तो क्या कहेंगे कितना? अब मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि हम जो 14 और 19 से भी बड़ी जीत हम लोगों को 24 में मिलेगी। ठीक है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि आज जिले में चल रहे विकास कार्य और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक भी की। इस बैठक के दौरान विकास कार्य की सभी योजनाओं की प्रगति जानी, साथ ही जिले में लचर होती जा रही कानून व्यवस्था को भी सुधारने के लिए सख्त और कठोर कदम उठाने के दिशा निर्देश दिए गए, जिससे हर व्यक्ति बिना किसी डर के जीवन यापन कर सके, व्यापारी सुरक्षित बने या सुरक्षित व्यापार कर सके और अपराधियों पर अंकुश लगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रशिक्षण वर्ग एक सतत प्रक्रिया है, संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व निर्माण में प्रशिक्षण वर्ग एक अहम भूमिका निभाता है। प्रशिक्षण वर्गों से कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों से शुरू होती है और पार्टी की जानकारी पाती है, इससे उसे पार्टी के पूरे इतिहास की जानकारी हो जाती है और वह पार्टी के हित में, देश हित में कार्य करना शुरू कर देता है। पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा अपने हित से ज्यादा देश हित को सामने रखता है और उसी का परिणाम है कि आज पार्टी देश हित सर्वोच्च शिखर पर है। ये संगठन का अपना परंपरा है, हम लोग संगठन की रचना खड़ा करते हैं, फिर बैठक करते हैं, बैठक के माध्यम से कार्यकर्ताओं का निर्माण होता है, कार्यकर्ता सम्मेलन करते हैं उसके माध्यम से कार्यकर्ताओं का निर्माण होता है, आईडी नीचे करो यार सब, रैली भी होती है तो रैली के माध्यम से भी नेतृत्व का विकास होता है और ये प्रशिक्षण वर्ग है, प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से संगठन की जितनी भी गतिविधियाँ हैं, कार्य पद्धति है, बीजेपी का इतिहास विकास है, ये प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकर्ताओं का निर्माण होता है जो क्षेत्र में जाकर संगठन को खड़ा करते हैं और संगठन को करना क्या है इसके माध्यम से जानकारी होती है। इसी कारण यहाँ जब संगठन से निकले हुए सरकार पर बैठते हैं तो आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 8 सालों में देश में आप परिवर्तन देख रहे हैं।
राज्य के अंदर योगी जी के नेतृत्व में राज्य के अंदर परिवर्तन दिख रहा है, लोगों की सोच बदली है, स्वच्छता के प्रति सोच बदली है, आज गरीबों का कल्याण हो रहा है, सभी योजनाएं गांव गरीब किसान को मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास से लेकर शौचालय, वैश्विक महामारी में भी फ्री में अन्न देने का किसी ने काम किया है तो मोदी योगी सरकार ने किया है, और 80 करोड़ देश के अंदर, 15 करोड़ राज्य के अंदर महीने में दो बार दिया, एक भी भूख से कोई नहीं मरा। देखिए राजनीति हम लोग करते हैं, राजनीति मेरा व्यापार नहीं है, राजनीति मेरा मिशन है, हम सत्ता भी बनाने के लिए काम करते हैं तो जनता की सेवा करने के लिए, गरीबों की सेवा के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए। हमारे पास एक ईमानदार नेतृत्व है, तपस्या करने वाला नेतृत्व है, तप करने वाला नेतृत्व है, आदरणीय मोदी जैसा नेतृत्व है, आज देश का भी सम्मान दुनिया में बढ़ रहा है और गरीब का भी सम्मान बढ़ रहा है, आज गरीब की पूरी चिंता हो रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में है तो सिर्फ देश की सेवा करने के लिए है, हम कभी अपने हितों के लिए सत्ता का सुख नहीं भोगते, इसके लिए विपक्ष की काफी है। पार्टी में जो नेटवर्क है वह तप करने वाला नेतृत्व, योगी या फिर मोदी जी, दोनों ही तप करने वाले हैं, इसलिए देश और प्रदेश दोनों साथ साथ आगे बढ़ रहा है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से राजा सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का प्रदेश का प्रशिक्षण वर्ग है, उसमें मैं एक वर्ग में शामिल होने के लिए आया हूँ। प्रदेश के सभी नौजवानों से, युवाओं से अपील करता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ करके प्रदेश और देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाना है और युवा शक्ति को समाज की मुख्य धारा में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ला करके कल्याणकारी कदम जितने भारतीय जनता पार्टी ने उठाए हैं किसी ने नहीं उठाए हैं, इसलिए मैं प्रदेश के सभी नौजवानों से अपील करता हूँ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करते हुए भारत को दुनिया के नंबर एक स्थान पर लाने के लिए जुटे। आज समीक्षा बैठक भी की आपने अधिकारियों के साथ, में क्या आप निकल के आगरा जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा के साथ साथ कानून व्यवस्था की भी समीक्षा हुई है, जो डेवलपमेंट के कार्य चल रहे हैं उनको समय सीमा में पूरा किया जाए और जो कानून का राज के संबंध जो भी डिस्टर्बेंस है दूर किया जाए और 100% कानून का राज स्थापित, किसी भी स्थिति में यहाँ पर कानून डिस्टर्ब न होने का हो, कानून का राज में कोई हस्तक्षेप न करे। इस प्रकार प्रदेश अध्यक्ष अभी तक क्या बात है। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।